हेलो गाइस, लाइट मैप के मदद से आप लोग रेड कलर एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोग कैसे लाइट मैप के मदद से रेड कलर एडिटिंग कर पाओगे, वो भी बहुत ही इजी स्टेप से। सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। सो चले आज के कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यह नॉर्मल फोटो एंड इस फोटो को मैं लाइट मैप के अंदर शेयर कर लूँगा, आप लोग भी शेयर कर लीजिए एंड मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर रेड कलर एडिटिंग करके दिखाऊंगा। गाइस, जैसे कि मैं लाइट मैप के अंदर फोटो को शेयर कर लिया, शेयर करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को लाइट को एडजस्ट करना है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऑटो पर क्लिक करके देख लेता हूँ एंड ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइट एडजस्ट हो चुका है। अगर आप लोगों का फोटो का लाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप लोग मैनुअल तरीके से भी यहाँ पर से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है कलर रिडक्शन करने की। गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को दो ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप लोग हर तरीके का कलर फोटो के अंदर बहुत इजीली दे पाओगे। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन है थर्मोमीटर वाले, इसके अंदर आप लोगों को प्रेस करके यहाँ पर मिक्स वाले टूल के अंदर चला जाना है, ठीक है। एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को सबसे पहले येलो कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को फुल्ली हाई कर देना है और उसके बाद ग्रीन कलर को सिलेक्ट कीजिए, सेचुरेशन को फुल्ली हाई कर दीजिए एंड ह्यू को माइनस की तरफ एंड बैकग्राउंड का जो कलर है येलो हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा सेचुरेशन को माइनस की तरफ कर देना है और यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट कीजिए, सेचुरेशन को हाई कीजिए एंड यहाँ से डन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद जो पहला स्टेप है वो कम्प्लीट हो चुका है। गाइस, यहाँ से आप लोग व्हाइट बैलेंस को थोड़ा सा ऑटो पर करके देख लीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का फोटो अच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो फेस का कलर है वो पिंक टाइप का आ चुका है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस। सो यहाँ से आप लोगों को सेव पर टैप करके एक बार फोटो को सेव कर लेना है। फोटो सेव हो चुका है एंड मैं बैग आ जाऊँगा, आने के बाद गाइस दोबारा इसी फोटो को मैं ऐड कर लूँगा लाइट मैप के अंदर, ठीक है। जैसे कि इस फोटो को मैं अभी सेव किया एंड इस फोटो को फिर से मैं लाइट मैप के अंदर इनपुट कर लिया और उसके बाद गाइस आप लोगों को डायरेक्ट कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है जो कि मिक्स वाले टूल एंड उसके बाद येलो कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को हाई कर देना है थोड़ा सा और उसके बाद ह्यू को माइनस की तरफ एंड आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड का जो कलर है यहाँ पर ऑरेंज कलर में चेंज हो चुका है। एंड गाइस, यहाँ से आप लोग डन पर टैप कर दीजिए। आप लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए कैसे रेड कलर लाना है बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है गाइस। सो गाइस, यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस वाले ऑप्शन है एंड यहाँ से आप लोगों को प्रेस करके यहाँ पर बहुत सारे जो फिल्टर्स है वो मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आर्टिक्स 3 नाम का एक ऑप्शन है, इसके अंदर आप लोगों को प्रेस करके यहाँ पर से रेड कलर लाना है एंड इसका जो अमाउंट है आप लोग चेकआउट करके देख सकते हो कहाँ पर अच्छा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर 200 के अंदर अच्छा लग रहा है तो मैं 200 के अंदर रख के राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, फेस के अंदर भी कलर आ चुके हैं। इसको रिमूव करने के लिए आप लोगों को फिर से यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से गाइस आप लोग व्हाइट बैलेंस को थोड़ा सा हाई कर दीजिए, पहला जो ऑप्शन है, या माइनस की तरफ भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और हाई करने के बाद गाइस टिल्ट को माइनस की तरफ कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा, या प्लस की तरफ कर सकते हो आप लोग एंड उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर जो कलर वाले ऑप्शन है इसके अंदर प्रेस कर लेना है एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके जो यहाँ पर ह्यू है उसको राइट की तरफ कर देना है एंड यहाँ से गाइस सेचुरेशन को माइनस की तरफ कर लेना है एंड आपका जो फोटो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे जो कलर है वो आ चुके हैं फेस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ से गाइस आप लोग देख सकते हो जो फोटो है बहुत ही अच्छा बन चुका है और डन पर टैप करके आप लोगों को अब क्या करना है, यहाँ से क्लियरिटी को हाई कर देना है एंड नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा माइनस की तरफ, सॉरी यहाँ पर पिगमेंट को माइनस की तरफ एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को शार्पनेस को हाई कर देना है और नॉइस रिडक्शन को फुल्ली हाई कर देना है एंड आपका जो फोटो है वो स्मूथ एंड एडिटिंग हो जाएगा एंड बिफोर और आफ्टर आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से फोटो एडिटिंग हो चुका है। सो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।